आईपीएल 2021 में आज आखिरी लीग मैच है, यानी आज के बाद लीग मैच नहीं होंगे और इसके बाद पक्का हो जाएगा कि कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं और कौन सी चार टीमें बाहर हो गई हैं। आज का दिन इसलिए तो खास है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि आज वो होने वाला है जो आईपीएल के करीब 14 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। आज आईपीएल के दो मैच खेले जाएंगे। वैसे तो आईपीएल में डबल हेडर की परंपरा लंबी रही है, लेकिन जब भी दो मैच होते हैं तो एक मैच दिन में और दूसरा मैच शाम को होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज एक ही वक्त में एक ही साथ दो दो मैच खेले जाएंगे, यानी एक ही समय में टॉस होगा और एक ही समय में मैच चल रहा होगा। ऐसा अभी तक भी नहीं हुआ। आज एक मैच विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा, वहीं दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। वैसे तो आईपीएल में आज का मैच और भी खास हो जाता अगर टॉप की चार टीमें सामने ना आई होती, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के अलावा प्लेऑफ में पहुंचने वाली केकेआर चौथी टीम होगी, लेकिन इस पर मोहर लगाना अभी बाकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के किस मैच को आप किस चैनल पर देख सकते हैं ताकि आपकी पसंद का मैच छूट ना जाए। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो, अभी के अभी हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ना भी मत भूलिएगा। क्रिकेट फैंस के बीच बड़ा सवाल ये है कि अगर दो मैच एक ही साथ होंगे तो कौन सा मैच किस चैनल पर दिखेगा। तो हम आपको बता दें कि आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स वन तमिल, स्टार स्पोर्ट्स वन तेलुगु और स्टार स्पोर्ट्स वन कन्नड़ पर नजर आएगा। यानी अगर आप आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स के चैनल नंबर 1 को ज्वाइन कीजिए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस का मैच स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3 और स्टार गोल्ड 2, स्टार मा गोल्ड, स्टार विजय सुपर, स्टार सुवर्ण और स्टार गोल्ड सेलेक्ट पर नजर आएगा। ये चैनल HD और SD में उपलब्ध है। आप अपनी पसंद के मैच के लिए अपना चैनल लगा सकते हैं। दरअसल BCCI ने जब IPL 2021 फेज 2 का शेड्यूल जारी किया था तब आज के दिन दो मैच होंगे इसका ऐलान किया था, लेकिन तब एक मैच दिन में 3 बजे और दूसरा मैच शाम को 7 बजे से तय था, लेकिन इसके बाद हाल ही में कहा गया कि मैच दिन और शाम को नहीं, एक साथ शाम को 7 बजे ही होंगे। इसके बाद से दर्शक लगातार गफलत में हैं। हालांकि अब तस्वीर साफ हो गई है। इस बीच ये पता नहीं है कि BCCI ने ये फैसला क्यों लिया, लेकिन इसके पीछे की कुछ वजह सामने आ रही है। IPL 2022 में 10 टीमें हो जाएंगी, इसमें मैच ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे में BCCI ये देखने और जानने की कोशिश कर रही है कि अगर एक साथ एक ही वक्त में दो मैच करा दिए जाएं तो इसका दर्शक की संख्या पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं। हालांकि ये अभी तक कयास है और देखना होगा कि इस मैच को लेकर रिपोर्ट क्या सामने आती है और BCCI आगे क्या फैसला करता है। खैर, आज आप जो भी मैच देखना चाहें देखिए और उसका आनंद लीजिए, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो खत्म हो, अभी के अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन जल्द ही नया वीडियो आएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।